देखिए आज का हमारा टॉपिक है फ्यूज और उसके प्रकार। आज हम फ्यूज और उसके प्रकार में इतने बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। पहला, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज के प्रकार, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है और फ्यूज का खोज किसने किया, इसका सिंबल क्या होता है और इसका एलिमेंट किसका होता है। सबसे पहले फ्यूज नाम, जैसे कि सब जानते ही हैं कि इसका नाम लेते ही दिमाग में आता है कि फ्यूज वह युक्ति है जो वैद्युत परिपथ से जुड़े हुए हमारे जितने भी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में कहना चाहेंगे तो इसकी परिभाषा यह भी कह सकते हैं कि फ्यूज वह युक्ति है जो वैद्युत परिपथ से जुड़े सभी उपकरणों से स्वयं को जलाकर उसको सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब हीटिंग एलिमेंट क्या होता है, उसका जब जल जाता है तो बाकी जो हमारे, जैसे आदि वोल्टेज हो गया तो हमारे उससे उपकरण जो होंगे उसकी क्षति नहीं पहुंचेगी, नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो सेफ रहेगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये हो गया फ्यूज की परिभाषा कि वह युक्ति जो वैद्युत परिपथ से जुड़े सभी उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करती है वो फ्यूज कहलाती है। दूसरे में आएंगे इसके टाइप ऑफ फ्यूज। तो मुख्यतः जो टाइप ऑफ फ्यूज है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसी फ्यूज, एक होता है डीसी फ्यूज। टाइप ऑफ फ्यूज में दो होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी फ्यूज। अब नाम से ही प्रतीत हो रहा है एसी फ्यूज किसे कहेंगे, डीसी फ्यूज किसे कहेंगे। जो एसी करंट पे हमारा काम करेगा उस फ्यूज को एसी फ्यूज कहेंगे और जो डीसी फ्यूज पे काम करेगा उसको डीसी फ्यूज कहेंगे। अच्छा, अब इसके भी प्रकार है, इसको भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसके भी कई प्रकार है। मुख्य प्रकार जैसे एसी में हो जाता है हमारा एचवी फ्यूज कह सकते हैं इसको, और इसको एलवी फ्यूज कह सकते हैं, मतलब हाई वोल्टेज फ्यूज लो वोल्टेज फ्यूज। अच्छा, इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा जैसे हाई वोल्टेज फ्यूज लो वोल्टेज फ्यूज, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये उच्च वोल्टेज पे काम करेगा, ये निम्न वोल्टेज पे। तो जब 1000 के नीचे रहता है, 1000 के नीचे मतलब वोल्टेज के, 1000 वोल्टेज के नीचे रहता है तो हम इस फ्यूज का कार्य करते हैं एलवी फ्यूज का, और 1000 वोल्टेज के ऊपर हमको काट लेना होगा तो हम किस फ्यूज का कार्य करेंगे, हाई वोल्टेज का कार्य करेंगे। यदि 1000 वोल्टेज के हमको नीचे लगाना होगा तो हम लो वोल्टेज फ्यूज का प्रयोग करेंगे, इसी के ऊपर लगाना होगा तो हम हाई वोल्टेज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में इसके भी कई टाइप है, जैसे इस हाई वोल्टेज के, इसके लो वोल्टेज के कई टाइप है, जैसे कार्टेज टाइप है, कार्टेज टाइप है, इंटरमीडिएट टाइप है, इसके बाद में इधर हो जाएगा स्विच टाइप है। मतलब इसमें कई प्रकार है, जो मेन है मैं उसको बताऊंगा आज आपको। इसके बाद डीसी फ्यूज में भी हमारा इसके लगभग कम से कम 5 प्रकार है, इसमें जो मुख्य है वो 3 है, मैं 3 बताऊंगा आपको। पहला है पॉली फ्यूज, दूसरा है सिलिकॉन रेडियो फ्यूज, तीसरा है कॉम्बिनेशन फ्यूज। के प्रकार में जो मैंने बताया मुख्यतः एसी डीसी, एसी दो प्रकार के होंगे जो मुख्य होंगे हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज 1000 वोल्टेज के ऊपर काम करेगा, लो वोल्टेज 1000 वोल्टेज के नीचे काम करेगा। और डीसी फ्यूज का जो मुख्य भाग है वो पॉली फ्यूज, सिलिकॉन रेडियो फ्यूज, कॉम्बिनेशन फ्यूज, इसके भी अभी वर्गीकृत किया गया, इसमें भी 5 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन ये मुख्य मुख्य भाग हैं। इसके बाद जो लो वोल्टेज फ्यूज है, कार्टेज फ्यूज, इंटरमीडिएट फ्यूज टाइप और स्विच टाइप, ये 3 प्रकार का फ्यूज किया जाता है। अब इतना सब समझने के बाद अब हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये भी बन रहा होगा कि प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में या जो भी कुछ है उसका एक सिद्धांत होता है, बाई फिजिकल एक सिद्धांत होता है,
तो या उसमीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत होगा उसमीय प्रभाव सिद्धांत, मतलब हीटिंग इफेक्ट प्रिंसिपल, या उसमें प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है उसमें प्रभाव सिद्धांत का? जैसे बल्ब है, यह भी उसमें प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हमारे द्वारा जो वोल्टेज दिया जाता है उससे इसको ऊर्जा, मतलब वो कहते हैं हीट मिलता है, उसी के द्वारा ये कहते हैं कि बल्ब जलता है, मतलब कि हीटिंग एलिमेंट के द्वारा ही जलता है। अच्छा, उसके अंदर हवा भी भरी होती है, गैस भी हवा भरी होती है बल्ब के अंदर, तो ये उसमें प्रभाव के द्वारा ही उसी सिद्धांत में कार्य करके बना है, ठीक है। इसके बाद में इन्वेंशन ऑफ फ्यूज, तो जैसा कि जो बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किसने किया आप पूछना चाहेंगे, क्वेश्चन अभी कोई जवाब नहीं देगा। सचिन परदेसी जी, बल्ब का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? एडिसन जी, जैसे कि हमारे देश के वैज्ञानिक थे महान, तो उनका नाम सम्मान से थॉमस एल्वा, जैसे जो भी जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, देश हमने हमने गलती से अपने देश का नाम ले लिया, ये जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही 1890 में इस सिद्धांत को बताया था, या फ्यूज का आविष्कार किया था, फ्यूज का आविष्कार किया इस सिद्धांत पे कार्य करा था, ठीक है। इसके बाद में इसका सिंबल, सिंबल इसका महत्वपूर्ण है, सिंबल हम चार तरीके से आज आपको बताने वाले हैं। इसका इसके सिंबल है फ्यूज के, इसके कुछ स्टैंडर्ड होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ विदेशी स्टैंडर्ड भी होती है जो मानक बनाया गया है, जैसे हमारा जो ये सब चल रहा है सब आई के नियम के अनुसार चल रहा है, इंडियन इलेक्ट्रिक कोड की, तो इसके कुछ मानक है, इसका जो मिला है हमको, जैसे ये हमको दिया है आईसीई ने दिया है, आईसी स्टैंडर्ड से इसको दिया गया है, और इसको दिया गया आई ट्रिपल स्टैंडर्ड से, और इसको दिया गया हमारा आईसीई आई ट्रिपल, और ये चौथा वाला हमारा दिया गया है वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ये चारों स्टैंडर्ड है जो विदेशी मानक है, इसी के द्वारा यह सिंबल दिया गया है। इसमें जो है आईसी जो होता है ये इमिग्रेशन सर्क्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आई ट्रिपल ई ये है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करके है इसी के द्वारा, और ये सबसे पुराना होल्ड ये पहले चलता था, तो इस स्टैंडर्ड से इसका सिंबल दिया गया है। इसके बारे में हम या किसका बना होता है, तो जो लो वोल्टेज पे हम यूज करते हैं इसका, ये लेड और टिन का होता है, सामान्यतः लेड और टिन का होता है, ये लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, सही है, हमने जो लिखा है किसी को कोई परेशानी नहीं, नहीं। ये लेड का सिंबल है और ये टिन का सिंबल है, जिसमें कि जो टिन होता है हमारा ये 67% और लेड 33% होता है, ये इसके लिए लो वोल्टेज से लगाते हैं, और सामान्यतः हाई वोल्टेज के लिए हम कॉपर सिल्वर और आदि इत्यादि ये लगाते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ओके सर, ये इतना था। बस बाकी फ्यूज का जो होता है रेटिंग भी होता है, अच्छे रेटिंग वाले फ्यूज जो है
जगह जगह पर लगाए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री और घर में जो है अपने अनुसार जो है रेटिंग के अनुसार हम फ्यूज लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था, आगे फिर हम इसके प्रकार पे और अधिक इसका विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।